हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस डिजाइन के बारे में। ये हमारे पास डिजाइन है जो कि काफी अच्छा डिजाइन हमने इसको बनाया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी डिजाइन के मैप के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास मैप है जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर का मैप है और इसके फर्स्ट फ्लोर का मैप है। मैप के साथ में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे इसके कॉलम लेआउट के बारे में, किसमें कहाँ कहाँ पे कॉलम आने वाले हैं, कितने कॉलम आने वाले हैं और इसके कॉलम्स के जो साइज है वो क्या रहने वाले हैं। तो ये सब डिटेल भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। और इसके साथ में हम आपको बताएंगे इसका पूरा 3D के बारे में। ये जो हमारा प्लॉट है वो 3D में सामने से इसका क्या डिजाइन है, बैक साइड से इसका क्या डिजाइन है, इसका जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड से इसका क्या डिजाइन है। तो ये सब डिटेल हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड जो हमारा प्लॉट है, इस प्लॉट का जो साइज है वो हमारा 1600 स्क्वायर फीट का हमारा प्लॉट साइज है। लेकिन ये जो हमारा प्लॉट है ये हमारा इररेगुलर शेप का प्लॉट है। इसकी जो राइट साइड है उसका साइज कुछ और है, इसका जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड का कुछ साइज और है, और इसका जो फ्रंट है फ्रंट में हमारा ये कुछ टेपर साइज हो रहा है कुछ इस तरीके से, और उसका जो बैक साइड है बैक साइड में कुछ इस तरीके से इसका शेप हो रहा है। तो ये हमारा इररेगुलर शेप का हमारा डिजाइन है। तो इसमें हमारा जो टोटल एरिया है वो हमारा 1600 स्क्वायर फीट का एरिया है। फ्रंट साइड में भी इसका रोड है, इसका जो राइट साइड है राइट साइड में भी रोड है, जो कि आप इस हमारा जो डिजाइन है इसमें आप देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट में इसका रोड है और इसकी जो राइट साइड है इधर साइड भी इसका रोड है। तो अभी मैं आपको इसके मैप के बारे में बताता हूँ जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर का मैप होगा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारी जो एंट्री दी हुई है वो हमने यहाँ से फ्रंट में इसमें एंट्री दी हुई है। जैसे इसमें हम एंटर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 10 फुट का मेन गेट मिलेगा। तो जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक स्टेकेस मिलेगा, और स्टेकेस के जस्ट नीचे हम यहाँ पे अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करा सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टेकेस का जो साइज है ये हमारा 20 फिट का टोटल साइज है। यहाँ तक जो हमारा साइज रहेगा वो 20 फिट रहेगा, और इसमें हमारा स्टेकेस जो हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमारी सीढ़ी अप हो रही है, जो अप लिखा हुआ है, यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर ले जाएंगे। तो ये हमारा 20 फिट का जो साइज है इसमें अपनी कोई भी कार बहुत आसानी से यहाँ पार्क करा सकते हैं। यदि आपके पास स्कूटर बाइक वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पार्क करा सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा एक गार्डन टाइप का रहेगा, यहाँ पर आप कोई भी प्लांट वगैरह लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है और कॉमन हमने बाथरूम रखा हुआ है। तो ये जो हमारा बाथरूम है ये हमारा 5 फीट बाई 5 फीट का है, और जो हमारा टॉयलेट है ये हमारा 5 फीट बाई 4 फीट का हमारा टॉयलेट है। तो ये जो टॉयलेट है और ये जो हमारा बाथरूम है ये हमारा कॉमन रहेंगे, इसे फैमिली का कोई भी मेंबर यूज कर सकता है। यहाँ पर हमने इसमें ड्राइंग रूम डिजाइन किया हुआ है जो कि हमारा 13 फीट 3 इंच बाई 15 फीट का हमारा ड्राइंग रूम है। जिसमें हमने जो एंट्री दी हुई है वो हमने गार्डन से एंट्री दी हुई है, मीन्स कि हमारा कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो वो मेन गेट से होकर इस डोर के थ्रू अपने इस ड्राइंग रूम में आ सकता है। और इसमें हमने यहाँ पर 4 फुट की विंडो लगाई हुई है जिससे हमारे इस ड्राइंग रूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये जो हमारा ड्राइंग रूम है इसमें हमने 3 सोफे रखे हुए हैं, एक हमारा 3 सीटर सोफा है, ये हमारा 2 सीटर रहेगा, ये भी हमारा 2 सीटर रहेगा। बीच में हमारा टेबल का डिजाइन है, यहाँ पर हमारा टीवी स्टैंड रहेगा। तो ये जो हमारा ड्राइंग रूम है इसकी जो विड्थ है वो 13 3 इंच की है, और इसकी ये जो लेंथ है वो हमारी 15 फिट की हमारी लेंथ है। तो फ्रेंड्स हमारे घर की जो एंट्री हो रही है वो हमारी सेकंड एंट्री इस डोर से हो रही है, इस डोर के थ्रू हम अपने घर के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो हमें लॉबी मिल रही है जो कि हमारी 8 फिट 9 इंच बाई 9 फिट 8 इंच हमारी लॉबी होगी। और इस लॉबी के लिए फ्रेंड्स हम अपना ये डाइनिंग लॉबी के पर्पज से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने किचन डिजाइन किया हुआ है जो कि हमारा 8 फिट बाई 10 फिट का हमारा किचन होगा, जिसमें हमने यहाँ स्टोव डिजाइन किया हुआ है। ये हमारा स्टोव है, ये हमारा सिंक है, और इसमें हमने यहाँ पर फ्रिज का डिजाइन किया हुआ है। और इस किचन में हमने यहाँ पर 4 फिट वाइड की एक विंडो लगाई हुई है जिससे हमारे इस किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर हमने स्टडी रूम डिजाइन किया हुआ है जो कि हमारा 9 फुट 16 बाई 10 फुट का हमारा स्टडी रूम होगा, जिसमें हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर टेबल का डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पर हमारा बेड रहेगा, और यहाँ पर आप कवर्ड वगैरह का भी डिजाइन करा सकते हैं। तो ये हमारा स्टडी रूम है, ये भी हमारा काफी बड़े साइज का है। तो आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट बेडरूम है जो कि हमारा 13 फिट बाई 14 फिट का हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जिसमें हमने यहाँ बेड डिजाइन किया हुआ है। ये हमारा टीवी स्टैंड रहेगा, ये हमारी कवर्ड रहेगी, और अपने इस बेडरूम में हमने यहाँ पर ये डोर का विंडो लगाया हुआ है। तो इस डोर के थ्रू हम बैक साइड में जो हमारा रियल लॉन है उसमें हम जा सकते हैं, और इसमें हमारा विंडो लगाया हुआ है तो इस विंडो से हमें इस लॉन से नेचुरल लाइट मिलती रहेगी। तो ये हमारा जो रियल लॉन जो होगा ये हमारा 12 फिट 3 इंच बाई 5 फिट 3 इंच का हमारा रियल लॉन होगा, जिसमें हमने जो एंट्री दी हुई है वो फ्रेंड्स हमने राइट साइड से भी इसमें एंट्री रखी हुई है। हमारा जो गेट लगाया हुआ है यहाँ से भी हम इस लॉन में आ सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड बेडरूम है वो हमारा 13 फिट 8 इंच बाई 14 फिट का हमारा सेकंड बेडरूम है, जिसमें हमने बेड डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर हमारा टीवी स्टैंड रहेगा, और इसमें हमने यहाँ पर सिटिंग का डिजाइन किया हुआ है, ये हमारी कवर्ड रहेगी, और इसमें भी हमने यहाँ पर डोर का विंडो लगाया हुआ है तो इस डोर के थ्रू भी हम
बैक साइड में जा सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा टॉयलेट होगा जो कि हमारा 7 फीट बाई 5 फीट 3 इंच का हमारा टॉयलेट है। तो ये जो हमारा टॉयलेट है ये भी हमारा कॉमन टॉयलेट है। इससे ये जो हमारे फैमिली इस बेडरूम के जो भी मेंबर्स होंगे या फिर इस वाले बेडरूम के जो भी मेंबर्स होंगे, दोनों ही बेडरूम के जो भी मेंबर्स होंगे वो इस टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। या फिर हम अपने इस गेट के थ्रू हम बैक साइड से यदि अपने घर के अंदर आते हैं, ये जो हमारा गेट होगा ये हमारा एक इमरजेंसी गेट होगा, हमने ये बैक साइड में रखा हुआ है, तो हम इस गेट के थ्रू भी हम अपने घर के अंदर आते हैं तो तब भी हम इस टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉयलेट का डिजाइन है जो कि आप देखेंगे, ये हमारा जो मैप है इस मैप में हमने 4 रूम डिजाइन किए हुए हैं। तो हमारे बेडरूम है, एक हमारा स्टडी रूम है, यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारे काफी बड़े साइज की पार्किंग है। तो ये हमारे ग्राउंड फ्लोर का मैप है और ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट फ्लोर का मैप है जो कि हमने इसको एज इट इज ही हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है ये फर्स्ट फ्लोर हमारा एज इट इज रहेगा। इसमें हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ग्राउंड फ्लोर रिक्वायरमेंट थी, वही रिक्वायरमेंट हमारी फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगी। ये हमारा स्टेयरकेस का डिजाइन है, यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, ये हमारा कॉमन टॉयलेट और कॉमन बाथरूम का डिजाइन रहेगा, यहाँ पर हमारे फ्रंट में बालकनी रहेगी, ये हमारा एज इट इज हमारा स्टडी रूम है, यहाँ पर हमारा किचन रहेगा, ये हमारी डाइनिंग लॉबी रहेगी, और बैक साइड में हमारा एज इट इज हमारा बेडरूम होगा, ये वाला बेडरूम होगा, ये हमारा टॉयलेट का डिजाइन रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो डिजाइन है ये हमारा दो फैमिली पर्पज से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर में हमारी एक फैमिली रहेगी और फर्स्ट फ्लोर पे हमारी दूसरी फैमिली रहेगी। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का मैप है। अब हम चलते हैं इसके कॉलम लेआउट की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारा कॉलम का मैप है जो कि आप देखेंगे, ये हमारा जो कॉलम्स के इसमें साइज जो हमने इसमें डिफाइन किए हुए हैं वो हमारे 3 साइज के इसमें हमने कॉलम इसमें लगाए हुए हैं। एक हमारा 9 इंच बाई 15 इंच का कॉलम है जो कि हमने C1 नाम से टैग किया हुआ है, जिसके अंदर हमने 6 कॉलम इसमें हमने डिजाइन किए हुए हैं। ये हमारा C2 कॉलम है जो कि हमारा 9 इंच बाई 12 इंच का है, इसको हमने C2 नाम दिया हुआ है और ये हमारा 6 कॉलम इसके अंदर हमने डिजाइन किए हुए हैं। और ये हमारा रेड कलर कॉलम है जो कि हमारा C3 कॉलम है। तो ये जो कॉलम है हमारा 9 इंच बाई 9 इंच का हमारा ये कॉलम है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कॉलम का मैप है जो कि आप देखेंगे, इसमें हमारे ये जो हमारा ब्लू कलर कॉलम है ये हमारे ग्रीन कलर कॉलम हो जाएंगे, ये हमारे रेड कलर कॉलम है। तो ये हमारा ब्लू कलर कॉलम है, इसके अंदर हमारी जो वार्स पड़ी हुई है वो हमारी 8 वार्स हैं। ये हमारी 8 वार्स हैं जो कि हमारी जो हमारे कॉर्नर वाइज वार्स हैं वो हमारे 16 mm डाय की होंगी और जो हमारे सेंटर वाइज वार्स हैं वो हमारे 12 mm डाय की होंगी। और ये हमारा जो ग्रीन कलर कॉलम है इसके अंदर हमारे 6 बार हैं, जिसमें हमारे कॉर्नर वाइज वार्स 16 mm डाय की हैं, सेंटर वाइज वार्स हमारे 12 mm डाय की हैं। और ये जो हमारा 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है रेड कलर कॉलम, इसके अंदर हमारे 4 वार्स हैं जो कि हमारे 16 mm डाय हमारे वार्स हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा कॉलम का लेआउट है जो कि आप देखेंगे। और फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारा फ्रंट एलिवेशन का डिजाइन है जो कि हमारा रियलिस्टिक व्यू है, जो कि आप देखें काफी अच्छा हमारा डिजाइन है, जिसमें हमारी एंट्री, हमारी एंट्री हो गई जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारा राइट साइड में रोड आ रहा है, ये हमारा फ्रंट में रोड आ रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे ये हमारा बाथरूम और टॉयलेट बने हुए हैं। ये हमारा फ्रंट में फर्स्ट फ्लोर पे हमारा बालकनी का डिजाइन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारा मैप है, मैप में आपको बताया था ये हमारी बालकनी का डिजाइन है, यहाँ पर हमारी बालकनी रहेगी। और ये फ्रेंड्स हमने इसमें जो फिनिश दी हुई है वो हमारा टोटली इसमें पेंट फिनिश किया हुआ है, पूरा ही पेंट फिनिश है इसमें हमारा। ये हमारा HPS सीट का डिजाइन है, यदि आप इसकी जगह टाइल भी यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट में हमने कुछ ये ग्रुप्स का डिजाइन भी किया हुआ है, ये हमारा पूरा पेंट फिनिश रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा रियलिस्टिक व्यू है और इसका जो 3D व्यू, जो वर्किंग व्यू है वो 3D व्यू ये है जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड डोर है जो कि सेकंड इमरजेंसी डोर हमने इसमें लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने कुछ इस टाइप से इसका राइट साइड का व्यू बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारा ये विंडोज हैं, विंडोज को हमने कुछ इस तरह से कवर किया हुआ है। हमारे फर्स्ट फ्लोर पे फ्रेंड्स हमारी इस तरह से ममटी का डिजाइन रहेगा, ये हमारी ममटी रहेगी फर्स्ट फ्लोर पे। और इसमें हमारा ये पूरा ही रेलिंग का डिजाइन रहेगा, यहाँ पर हमारी पूरा MS की रेलिंग रहेगी। तो ये फ्रेंड्स हमारा डिजाइन है जो कि फ्रंट एलिवेशन का डिजाइन है, काफी अच्छा डिजाइन है, बढ़िया डिजाइन है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।